शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से की जाती है, एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पदचिन्हों का अनुकरण कर सकें, तथा दूसरा ये कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर लें। रामचरितमानस, बाइबल, कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है, किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ पाता है। आध्यात्मिक सूक्तियों को भी वो सामाजिक व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है, कहता है कि ऐसा तो शास्त्र में लिखा है। इसीलिए वेद व्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में अलग से किया, जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सके। उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत है गीता का दिव्य संदेश। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ तृतीयो अध्यायः। अध्याय दो में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला, कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। अतः अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान लें, एक ही स्थान पर जाने के दो रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा। अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग सरल प्रतीत हुआ, इसलिए उसने निवेदन किया, व्यामिश्रेणेव वाक्येन
बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम। आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं, अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए जिससे मैं श्रेय परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सत्य युग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कह आए हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग बताया गया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करें हो गए निष्कर्मी, कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए। इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं, हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति चैर्गुणैः। कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या है? उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल जाने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थीं। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हठ से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूं, पूर्ण हूं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः सविशिष्यते। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो सर्वथा अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु ये प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? ये पुरुष जन्म जन्मांतर से युग युगांतरों से शरीर की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से लेकर मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर ये जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान ले एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा तो जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है, वो दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष सेव शुभात। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो निर्धारित कर्म है क्या। इस पर कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो। सिद्ध है
कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वो इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना ये कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहां पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वो यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से, ये देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं जिससे श्रद्धा जागृत हो, तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण रहे कि यहां पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है, जो कुछ किया जाता है वो कर्म नहीं है। अध्याय दो में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन ये नहीं बताया कि कर्म क्या है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें। तब बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वो यज्ञ क्या है। यहां यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर शांत हो जाएंगे और आगे अध्याय चार में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा जिसे करना कर्म है। कर्म की यह परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को, और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्षद कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ न बताकर पहले ये बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधु। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ये यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामधुक, जिसमें अनिष्ट ना हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करने वाला हो। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या चार मुख और आठ आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं, श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वो महापुरुष प्रजापति है। बुद्धि ही ब्रह्मा है।
अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है, उस महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वो बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का शमन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर यह ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वो ब्रह्म विद्वरी यान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेत्ता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्म विद्वरिष्ठ, अर्थात ब्रह्मविद की वो अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई कायाकल्प करता है। ये क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्म स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? आय अधिक होने लगेगी? नहीं, यज्ञ इष्ट कामधु इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चलकर? देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, आगे यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की आत्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं। वो परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपद कही जाती है, न कि बाहरी देवता जैसा लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे कहते हैं, इष्टान भोगान हि वो देवा तास्तु यो भुंक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता दैवी संपद आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। तैः दत्तान, वे ही एकमात्र देने वाले हैं, इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है वो निश्चय ही चोर है। जब उनसे पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो तत्वदर्शी हैं, वो निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं?
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपद की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अशंग को पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है, सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं। वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि आत्म कारणात् शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उसे मिल तो जाएगा किंतु उतने भोग के पश्चात वो अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पलटि सुधाते सठ विष ले ही। वो नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि इस पर कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नम ब्रह्म व्यजानात्। अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं अपितु कृपा वृष्टि। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसीलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती, उर्वर बन जाती। यहां कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। ये यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। उस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म की कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसलिए वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं। महापुरुष वेद कहां से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष उससे तद्रूप हैं, वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वो विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पर बल देते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः
अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपद का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला वो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वो इसी लोक का बंधन है, इसीलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है, प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होती है, यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुषेय वेद से उत्पन्न होते हैं, जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे, उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था, प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था, इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है, सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वो पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है, अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है अपितु अक्षय सुख है, इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है, इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया है कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा, इस पर योगेश्वर कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेवस्या आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्मतृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था, जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे, ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है न किसी आराधना की, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय है, इसी का पुनः चित्रण करते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाशयः। इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था, उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत सनातन अव्यक्त अपरिवर्तनशील और अक्षय है, जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं तो किसको खोजें, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वो चित्त ही न रहा, उसका संपूर्ण भूतों में बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा, जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन होगा। तस्मादसक्त सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।
इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ। निरंतर कार्यम कर्म, जो करने योग्य कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म कार्यम कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं, कर्मणैव हि संस्थितम्।